हम अक्सर पुलिस के बारे में गलत धारणा रखते हैं, परंतु पुलिस की एक सच्चाई ये भी है कि वह जब अपनी पर आए तो अपना फर्ज निभाने के लिए जान की बाजी भी लगा देती है। ऐसा ही कुछ कारनामा किया है कैथल की CIA 1 पुलिस ने, जिन्होंने विदेश भेजने के नाम पर कोलकाता में किडनैप किए गए युवक को सकुशल उनके घर पहुंचाया है और साथ में अपनी काबिलियत का परिचय देते हुए 5 आरोपियों को काबू भी किया है। बताते चलें कि कैथल पुलिस को अमृतपाल निवासी बाकल की एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके अनुसार उसके भाई विक्रम को विदेश भेजने के नाम पर कलकत्ता में किडनैप करके रखा हुआ है और उससे कोई देसाई नाम का व्यक्ति पैसे की मांग कर रहा है। कैथल CIA 1 पुलिस ने इस मामले में सबसे पहले गुरुदेव निवासी जिला मेरठ UP को गिरफ्तार किया और उसके बाद फिर आरोपी गुरुदेव और शिकायतकर्ता को साथ लेकर CIA 1 पुलिस टीम मुंबई पहुंची और संदिग्ध देसाई नाम के व्यक्ति की तलाश के साथ ही कई ठिकानों पर रेड भी की गई, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस इस गिरोह के असली सरगना तक पहुंची और इस मामले में अन्य आरोपियों को भी काबू किया गया। फिलहाल पुलिस ने मामले में किडनैप किए गए व्यक्ति को सही सलामत परिवार तक पहुंचाने के साथ ही मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद कार्रवाई तेज कर दी है। ये है कि हमारे पास में आप सबको पहले पता है, एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि हमारे यहाँ बाकल गांव के गुरदीप सिंह ने शिकायत अमृतपाल पुत्र गुरदीप सिंह ने शिकायत दी थी कि उनके भाई विक्रम को बाहर विदेश भेजने के नाम पर यहाँ से किसी एजेंट ने लेके गए थे और उनको कलकत्ता में किडनैप करके रखा हुआ है और उनसे उसके एवज़ में फिरौती मांगी जा रही है उनको छोड़ने के एवज़ में। तो ये हमने फिर इसके मामले में मुकदमा दर्ज किया था, मुकदमा नंबर 546 पुंडरी थाने में 4 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ था। उसकी ये जाँच करते हुए सबसे पहले हमने एक एजेंट जो थे गुरुदेव, उसको हमने पहले उसमें गिरफ्तार किया था और उसको 10 दिन की रिमांड पर लिया हुआ था। 10 दिन की रिमांड में जब उनको लिया, उनसे पूछताछ की गई, तो उसके बाद में हमें जो आगे उसमें पूछताछ में पता चला कि ये जो है एक गैंग चल रहा है इस तरीके का, जो कि विदेश भेजने के नाम पर यहाँ से नौजवान युवाओं को बहका करके उनको यहाँ से ले जाया जाता है, उनसे परिवार से मोटी रकम ऐठी जाती है और उनको फिर यहाँ से ले जा करके कहीं ना कहीं उनको बंधक बना के रखा जाता है, विदेश ना तो उनको भेजा जाता है और उनको छोड़ने के एवज़ में और ज़्यादा पैसे की उनसे परिवार से डिमांड की जाती है। तो इस तरह का एक गिरोह चल रहा है जिसका कि जो सरगना है वो एक देसाई नाम का व्यक्ति है, जो कि इनको उन्होंने बताया था कि कलकत्ता से गिरोह चल रहा है क्योंकि और इनको विक्रम को भी कलकत्ता में ही बंधक बना के रखा गया है। लेकिन आगे हमने जब तफ्तीश करी, जांच करी और सारे हमने तकनीकी पहलुओं से कॉल डिटेल वगैरह को और मोबाइल की डिटेल सबको एनालाइज़ किया, तो उसमें हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई कि ये जो सरगना है, जो ये गैंग चला रहा है, ये मुंबई में बैठा हुआ है, देसाई नाम का जो व्यक्ति है और मुंबई से ये गैंग चल रहा है। फिर संपर्क साधा गया एजेंट के थ्रू, जो हमने गुरुदेव सिंह जो हमारे उसमें हिरासत में था, रिमांड पर था, और उसके थ्रू जब संपर्क साधा गया तो उन्होंने फिर डिमांड करी और पैसे की इसको छोड़ने की एवज में। तो फिर हमने उनके साथ संपर्क साधते हुए हमने उनको जो भी उन्होंने पैसे मांगे, 10 लाख रुपए की पहले डिमांड की गई तो हमने 10 लाख रुपए उनके पास भिजवाए और उसके बाद में जो है उन्होंने उसके बाद में और भी फर्दर डिमांड करते रहे वो, और उसको नहीं माने उन्होंने कि छोड़ने की जो डिमांड थी नहीं मानी। तो हमारी टीम ने उनको फिर वहाँ पर जाकर के उनको 2 लाख रुपये और एक्स्ट्रा दिए, टोटल हमने 12 लाख रुपये उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए और फिर उनको वहाँ से पकड़ा गया मुंबई की जो कि जेवली बाज़ार है, जहाँ पर कि हवाला का कारोबार जहाँ पर होता है, तो वहाँ पे हवाला के थ्रू ही पैसा जो था वो ट्रांसफ़र हो रहा था और वहाँ से उन 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कि नाम जो देसाई नाम से जो चल रहा है कर रहा था कार्रवाई, ये जो है मेन अब्दुल करीम रहमान कुरेशी इसका नाम है और ये मलाड़ का रहने वाला है, जो कि देसाई के नाम से अपना जो है गैंग चला रहा था। वही मामले में पीड़ित विक्रम सिंह ने आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद और उसे सही सलामत घर पहुंचाने के लिए पुलिस का आभार व्यक्त किया और मामले में फंसे और लोगों को भी पुलिस द्वारा जल्द छुड़वाने की मांग की। था विदेश जाने के नाम पर धोखा हुआ है, ये मेरे को कोलकाता भेजा गया था एक एजेंट के पास भी, वहाँ पे आपको विदेश भेजा जाएगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद उन लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया और मुझे गन पॉइंट पे रखा और मुझे बोले कि अपने घर फ़ोन कर कि मैं यहाँ से दिल्ली जा रहा हूँ, और मैंने ऐसे किया फ़ोन किया, उसके बाद मुझे फ़ोन बोले भी अब 2 घंटे बाद, फिर बोले कि अब तुम फ़ोन कर कि मैं दिल्ली से कनाडा जा रहा हूँ थे, लेकिन वो कहते थे कि हमें कोऑपरेट करो, जैसा हम बोलते हैं वैसा बोलो, अपने घर बोलो कि मैं कनाडा पहुंच गया हूं और आप पेमेंट कर दो। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया कि मैंने फ़ोन पे बोल दिया कि मैं कनाडा नहीं पहुंचा हूं, मैं कलकत्ता ही हूं और मुझे गन पॉइंट पे रखा है। तो इस बात पर फिर उन्होंने मेरे साथ बहुत मारपीट की। तो पुलिस आपके तक कैसे पहुंची, मतलब किस तरीके से? पुलिस तो यहाँ ब्रदर ने मेरे ने कंप्लेंट की थी, तो फिर ये कैथल पुलिस ने बहुत ही हिम्मत की और बहुत ही सूझबूझ से इन्होंने बचाया, जो जैसे पैसे जा रहे थे उसी हिसाब से ये उनको ट्रैप करते गए। और तो जाने से पहले आपने पासपोर्ट वगैरह और वीज़ा नहीं चेक करवाया कहीं पे? नहीं, वीज़ा तो वो बोले आप कलकत्ता आ जाओ, कलकत्ता आके यहीं से आपकी फाइल तैयार होगी, आप सिर्फ पासपोर्ट लेके आ जाओ। लेके गए तो आगे एक पुराना सा रेस्ट हाउस था, वहाँ ले गए और वहाँ पे मुझे गन पॉइंट। कितने लोग थे जो गन पॉइंट पर रखे हुए थे आपको?
जो होटल में से लेके गए वो तीन लोग थे और जहाँ पे लेके गए वहाँ पे पांच छह आदमी और थे उनके पास। आपकी तरह और भी थे वहाँ पे? हाँ, एक गुजरात का लड़का है, उसका नाम अंकित है, वो वहाँ पे अभी भी किडनैप है और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उसे जल्दी से जल्दी छुड़वाया जाए। बता दें कि कैथल की CIA पुलिस ने किडनैपिंग कर फिरौती मांगने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है जो विदेश भेजने के नाम पर युवकों को किडनैप करता था। फिलहाल इस मामले में गिरफ्तार हुए सभी आरोपियों को कल न्यायालय में पेश कर रिमांड हासिल किया जाएगा। उसके बाद इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस की टीम कोलकाता जाएगी ताकि वहां पर चल रहे इस गिरोह के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जा सके। पंजाब के CTV के लिए कैथल से ब्यूरो रिपोर्ट।